चड्डा अंकल मिस्टर चड्डा, आप ये क्या कर रहे हैं? ओ दादाजी, आपको पता नहीं क्या? कोई कार थीफ आया है और एक हफ्ते में 20 कार चोरी कर चुका है। पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही, इसलिए मैं अपनी कार को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ कार थीफ इसे कैसे चोरी करेगा। अरे ये रोबो बॉय का भी कहीं पता नहीं, वो आजकल बहुत ही आलसी हो गया है, कुछ काम नहीं करता। चिंता मत करो बंटी, रोबो बॉय उसे जरूर पकड़ लेगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। मिस्टर चड्डा, आप चिंता ना करें, कार थीफ जल्दी ही पकड़ा जाएगा। रात मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो दिखा ही नहीं। वो बहुत चालाक है, उसको पकड़ने के लिए तो दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, उसे ट्रैप करना होगा। कार थीफ को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें एक नई कार दूंगा, एक ऐसी स्पेशल कार जिसे देखकर कार थीफ चोरी करने की कोशिश करेगा और तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। दादाजी दादाजी, मैं अंदर था और कार थीफ बाहर से कार चोरी करके ले गया। ये रोबो बॉय का तो कुछ पता ही नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। मिस्टर चड्ढा, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। मैं अपनी कार के बिना ऑफिस कैसे जाऊंगा? वीर, जिंटू को बुलाओ, वो मिस्टर चड्ढा की कार वापस ला देगा। जिंटू, मिस्टर चड्ढा की कार चोरी हो गई है, वो उन्हें वापस ला दो, वो बहुत दुखी है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, मिस्टर चड्ढा की कार उनको मिल गई है। ये कार हॉल में कैसे आ गई? अब इसे बाहर कैसे निकालूं? बंटी की माँ, ओ बंटी की माँ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। मिस्टर चड्डा की कार कहाँ है? बंटी की मम्मी, जल्दी आओ, जल्दी। जिंटू, तुमने कार को हॉल में रख दिया, तुम ठीक तो हो? जल्दी से कार को वहाँ से गायब करो, जल्दी। तुमने कहा था मिस्टर चड्डा को कार वापस दो, वो हॉल में थे इसीलिए वही कार वापस कर दी। तुम मेरे काम से कभी खुश नहीं होते, ये लो जादू खत्म और मैं चला। ये हॉल क्यों तोड़ रहे हो जी, क्या कर रहे हो? ओए पता नहीं कार हॉल में कैसे कैसे आ गई। कार तो गई, ये कहाँ गई? कार हॉल में थी, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें तो हर जगह कार ही दिख रही है, जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ, पूरी दीवार तोड़ दी। चुलबुल, ये हंसने की बात नहीं है, इस चोर को पकड़ना ही होगा, मैं उसके लिए एक नई कार का ट्रैप सेट करता हूँ। मैंने कार थीफ को पकड़ने के लिए ये स्पेशल कार बनाई है। पकड़ लूंगा, आप लोग भरोसा रखिए। सॉरी, इस समय कुछ जरूरी काम है। रोबो बॉय,
मैं कोई मामूली चोर नहीं जिसे तुम पकड़ सको। मैं हूँ कार थीफ जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। बाय 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 रोबो बॉय। रोबो बॉय मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। आज तो तुम बच गए कार्थिव, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। फुर्सतगंज के निवासियों, आप लोग चिंता ना करिए, मैं उस कार थीफ को जल्दी ही पकड़ लूंगा, वो मुझसे बच नहीं सकता। ये बीएचएसी दो दो कार कैसे, एक खड़ी है दूसरी ट्रक में जा रही है, ये क्या हो रहा है? चुलबुल कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी वीर को ढूंढो और उसे कहो मैं इस ट्रक में हूँ, इसका पीछा करे। एक मिनट दोस्तों, लगता है कार थीव मेरी ही कार चोरी कर रहा है। देखते हैं तुम्हारी कार तेज चलती है या मेरा ट्रक। रोबो बॉय, मैं मामूली चोर नहीं, कार थीफ हूँ। फिर मिलेंगे, बाय बाय। यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ, पहले उसका पीछा करो। ये मेरा इलाका है, ये कार मेरे सिपाही है, आज के बाद तुम किसी चोर को पकड़ नहीं पाओगे। रोबो बॉय लौट जाओ, अभी भी समय है तुम्हारे पास, लौट जाओ वरना। रोबो बॉय खेल खत्म, पैसा हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। एक्स्ट्रा पावर ऑन, एक्स्ट्रा पावर ऑन। इमली तुम ठीक तो हो ना? हाँ वीर मैं ठीक हूँ, चलो उस चोर को थोड़ा और सबक सिखाया जाए। नो
नो नो नो नो नो नो डोंट डू इट डोंट डू इट रिमोट छोड़ दो। वीर, मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। देखना, मैं सबसे ज्यादा दूध पीकर फर्स्ट आऊंगा। नहीं चिंटू, तुम एक जिन हो, तुम जादू से जीत जाओगे। कोई नॉर्मल बच्चा तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मुझे किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देते। भाइयों बहनों, हमारा नाम है क्रोधी पहलवान। हमारी डेयरी में ये कंपटीशन इसलिए रखा हुआ है कि बच्चों को दूध पिए की आदत पड़ जाए। जौन बच्चा सबसे ज्यादा दूध पिएगा वह फर्स्ट आएगा। चलो भाई चलो, मुकाबला शुरू करता हूँ। बस बस बिटुआ, हमार सब दूध खत्म हो गया। हम तुमका फर्स्ट प्राइज। एक मिनट सर, ये कंपटीशन फुरसतगंज के बच्चों के लिए है। फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए क्योंकि ये लड़का फुरसतगंज का नहीं है। मेरा नाम पिंटू है। मैं फर्स्ट आया हूँ। और देखो भाई, कहे कि पिंटू जो उन्हें फुरसतगंज का नहीं है, इसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे। ये ट्रॉफी है ये बचवा पिंटू के लिए, और ये कंपटीशन में फर्स्ट आया है बंटी। ये मैं जीत गया। अभी सूत्रों से पता चला है कि फुरसतगंज में रोज हर तबेले से भैंसे चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसे बची हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे हैं। लोगों ने रोबो बॉय से अपील की है कि इस चोर को पकड़ें। रोबो बॉय, अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो तो प्लीज हेल्प। दादाजी, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? जिंटू है ना, दूध से भरा हुआ पूरी डेयरी। इसे कहो जादू से भैंस बन के खड़े हो जाए। जब चोर इसे ले जाएंगे तो ये सब कुछ देख के हमें भुला लेगा। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। चलो जिंटू, एक मोटी तगड़ी भैंस बन जाओ ताकि चोर तुम्हें चोरी करके ले जाए। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। चाट, वाह वाह, थोड़ी चाट खा लूं पहले। अरे ये सब क्या हो रहा भाई? इस भैंस को चाट खाने का शौक है। देखो कैसे खा रही है। एकदम चटोरी लागत है। एक नाम जो ना चटोरी रख दे। भूल गया। ये चिंटू कहाँ गया? लगता है उसे चोर ले गया। अब क्या करें? उसका पता कैसे करें? कहीं उसकी याददाश्त तो गुम नहीं हो गई?
मुझे जिंटू पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी टेल पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। चलो उसे ट्रैक करते हैं। मुझे पहले से ही शक था कि चोर यही होगा, क्योंकि सिर्फ इसकी भैंस ही चोरी नहीं हो रही है। तुम दोनों यही रुको, मैं जिंटू को ढूंढ के आता हूँ। अरे वाह चटोरी, खाओ खाओ, जितना चाट खाए खो खाए ले। जब तक हम तुम्हारे मालिक है ना, तुमका चाट के कमी ना होई। खाए जाओ खाए जाओ। ये मेरा मालिक कितना अच्छा है, यम्मी क्या चाट है। तो पूरे फुर्सतगंज की भैंस तुम चोरी कर रहे हो? ये भैंस मेरी है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। ये कौन लड़का है जो मुझे मेरे मालिक से अलग कर रहा है? शाबाश चटोरी, मारो कमार, बच के जाए ना पावे। जिंटू क्या कर रहे हो? जिंटू रुक जाओ। वीर, जिंटू तुम्हें क्यों मार रहा है? उसके याददाश्त गुम हो गई है। मैं जाके उसके सर पे दो डुलाटी मारूंगा और उसकी याद वापस आ जाएगी। तुम दोनों यही रुको। जिंटू, जिंटू, देखो कौन आया है। बहनों देखो, ये गधा यहाँ कैसे घुस आया। ये और उसका मालिक हमें यहाँ से ले जाना चाहता है। चलो उनको सबक सिखाते हैं। ये मुझे घेर क्यों रही हैं? इनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। बताओ, ये जिंटू अपने ही दोस्त को पिटवा रहे हो। बताओ। जिंटू के सिर पे तो मैं दुलाटी नहीं मार पाया, लेकिन मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे तमाम दुलाटियां पड़ गई। मुझे वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अब रोबो बॉय को ही जाना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वाओ, आ जाओ भाई रोबो बॉय। सुना है कि तुम फुर्सतगंज कर रखवाला हो भाई? हम्म, सोचा ही रहा था कि तुमसे मुलाकात कब होगी। रोबो बॉय, अरे हमारा नाम क्रोधी पहलवान है। वैसे तो हमको क्रोध आता नहीं है, लेकिन जब हमको क्रोध आ जाता है ना, तो हम जमीन और आसमान हिला डालते हैं। क्यों बचुआ, तुम काहे हमसे उलझ रहे हो भाई? ये तुम्हारे खेले कूदे की उम्र है। जाओ बेटा जा। गुस्सा मुझे भी नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो मैं भी जमीन आसमान हिला देता हूँ। मेरा मालिक खतरे में है। वीर, चिंटू आ रहा है, उसकी सर पे मारो, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। जिंटू के सर पे लग रही है, फिर भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही है। उसके सिर पे नहीं, सिंगों पे लग रही है। वीर, उसके दोनों सिंगों के बीच मारो, तभी उसकी याददाश्त वापस आएगी। ओके इमली। दादाजी, जल्दी से पुलिस को लेकर नई डेयरी आ जाइए।
ये अपनी बंदूक छोड़ के आम फेंक फेंक के काहे मार रहा है? समझ में नहीं आ रहा इको का हो गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी का जादू है जिंटू, इनको ये सब भुला दो। उन्हें ये याद नहीं रहना चाहिए कि उनकी चटोरी लड़का बन गई। ए रोबो बॉय, हमार चटोरी कहाँ गई? चटोरी तो चाट खाने भाग गई। अब तुम लोग भी जेल जाके चाट खाओ। इमली, क्या हो रहा है? अभी अभी रोबो बॉय ने भैंसों के चोरों को पकड़वा दिया है। रोबो बॉय ना होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। बच्चों, फुर्सतगंज में गो कार्ट पार्क खुलने वाला है, जहां गो कार्टिंग होगी। और वो अपने पार्क को प्रमोट करने के लिए एक गो कार्ट रेस रख रहे हैं। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना नाम मुझे दे दें। सर, मैं पार्टिसिपेट करूंगा और फर्स्ट भी आऊंगा। मैं अपनी गो कार्ट लाऊंगा। बंटी, गो कार्ट बहुत कॉस्टली होती है, ये कोई मामूली कार नहीं। वो लोग सबको अपनी कार दे रहे हैं। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मुझे नई गो कार्ट खरीद देंगे। ओके ओके, जो बच्चा अपनी गो कार्ट लाना चाहता है वो ला सकता है। सर, मैं और इमली भी गो कार्ट रेस में हिस्सा लेंगे। और कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने अपने हाथ खड़े करे। मेरे प्यारे पापा, पापा आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं कितना लकी हूँ कि आप मेरे पापा हैं। बोलेगा भी क्या चाहिए या सिर्फ तारीफ ही करता रहेगा? पापा, मुझे गो कार्ट चाहिए। अरे तो जाओ खरीद लो। हाँ, क्या? गो कार्ट? पापा प्लीज 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 प्लीज, मेरे अच्छे पापा, प्यारे पापा, प्लीज प्लीज, मैं नई गो कार्ट लेकर गो कार्ट रेस में फर्स्ट आना चाहता हूँ। दिस यंग बॉय वांट्स टू पार्टिसिपेट इन गो कार्ट रेस। उसे डिस्करेज मत कीजिए, उसे गो कार्ट ला के दे दीजिए। वो ओल्ड मैन पहचाना सा लग रहा है ना? लेकिन सर, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। कोई बच्चा इतनी महंगी चीज नहीं मांगता। मैं खुद एक गो कार्ट कंपनी का मालिक हूँ। इसी गो कार्ट रेस के लिए तो मैं आया हूँ। मैं आपके यंग और होनहार बच्चे को नई गो कार्ट दूंगा, लेकिन रेस के बाद आप उसे वापस कर देंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं कल गो कार्ट रेस में नई गो कार्ट लेकर आऊंगा। सी यू देयर। वो आदमी टिम्बकटू जैसा लग रहा था ना? यस, यू आर राइट। फिर तो हमें भी एक स्पेशल गो कार्ट तैयार करनी होगी और हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। गो कार्ट में तो एक ही सीट होती है, तुमने दो सीट लगाई है। मुझे मालूम था तुम मेरे बिना रेस में हिस्सा नहीं लोगे। थैंक यू वीर। तो चुलबुल, वीर ने दूसरी सीट मेरे लिए बनाई है। सॉरी दोस्तों, दूसरी सीट इमली के लिए है। उस रेस में तुम दोनों हिस्सा नहीं ले सकते। तुम मुझे हर कॉम्पिटिशन के लिए मना कर देते हो, इस बार मैं नहीं मानूंगा। जिंटू, इस तरह हम नई गो कार्ट उस लड़के बंटी को देकर वीर को रेस में हरा के। उल्लुओं के सरताज, जब गो कार्ट देना ही है तो वीर को रेस में हराने के लिए नहीं, बल्कि वीर को रेस में खत्म करने के लिए दो। म्याऊ, यू आर जीनियस बॉस। शी इज राइट बॉस। मैं तुम्हें हथियारों से भरी हुई गो कार्ट दूंगा और
उसे ये हेलमेट भी देना। इस हेलमेट को पहनते ही उस लड़के बंटी का दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, वो रोबोट जैसा बन जाएगा और फिर तुम वॉकी वॉकी में उससे जो कहोगे वो वैसा ही करेगा। अब वीर का खेल खत्म और पैसा हजम। इस हेलमेट को पहन लो बंटी, इसे पहन के रेस करोगे तो फर्स्ट आओगे। ये जिंटू भी ना अपनी ही मर्जी का करता है। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, सबको इस ग्राउंड के 5 राउंड्स लगाने हैं, पांचवा राउंड आखिरी राउंड होगा। ओके एवरीबॉडी, गोकार्ट पास हुई या सिर्फ हवा थी? तेज हवा है सर, गोकार्ट इतनी जल्दी कैसे राउंड लगा सकती है? वो देखिए, अभी तो हाफ राउंड भी खत्म नहीं हुआ। डेकर निकालो और वीर के टायर बस्ट कर दो। टिम्बकटू ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। बंटी, वीर को ग्राउंड से बाहर ले जाकर खत्म कर दो। गोकार्ट में लगे वेपन का इस्तेमाल करो। क्या हुआ? हम 4 राउंड मार चुके हैं और लोगों ने पहला राउंड भी पूरा नहीं किया है। ऐसे जीते तो सबको शक हो जाएगा कि हमने जादू का इस्तेमाल किया है। चलो कुछ खा पी के आराम कर ले। टिम्बकटू ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। बंटी की हेलमेट में रेड लाइट क्यों जल रही है? मुझे तो लगता है इसी हेलमेट की वजह से बंटी उनके कंट्रोल में है। इन्हें तुम ड्राइव करो, मुझे उसका हेलमेट उतारना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन।
रोबो बॉय, ये सब क्या हो रहा है? बंटी ब्रेक लगाओ, टनल खत्म होने वाली है। बंटी तुम वापस जाओ। वो देखो, ऊपर से कार नीचे गिर रही है। भागो, कहीं हमारे ऊपर न गिरे। वो देखो, रोबो बॉय आ रहा है। सीट बेल्ट अटक गया है, खुल नहीं रही थी। तुम हट जाओ, तुम जाओ जिंटू। उठो उठो, लगता है रेस खत्म हो गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वीर, तुम लोग कहाँ थे? तुम कैसे हार गए? टिम्बकटू ने बंटी को नई गो कार्ट देकर और वो जादुई हेलमेट पहनाकर रोबोट जैसा बनाकर हम पर अटैक करवा दिया था। हम उसी से बच रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत, अभी मजा चखाता हूँ उसे। हे टिम्बकटू, वीर तो बच गया, लेकिन मेरी लेजर से क्या तुम बच पाओगे? ये बोलती भी है बॉस,